हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 पर डिस्कस करेंगे। आज इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो डाली थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, आप उसको देखो, उससे आपको उसके बेसिक जो पार्ट हैं वो समझ आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड से, ठीक है, और उस पोल के टॉप पर एक रोप बंधी हुई है, एक रोप है, ठीक है, और वो जो आर्टिस्ट है सर्कस आर्टिस्ट उसे रोप बंधी हुई है, और वो जो रोप है उसकी लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर। मान लो ये देखो डायग्राम ये है, और इसमें रोप है एसी इस टाइप से, इसकी लेंथ है 20 मीटर, वर्टिकल ये पोल हो गया ए बी। उसके बाद हम कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो ये रोप है, एसी जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम है, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है पोल, तो इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बी इज पोल एंड ए सी इज रोप, ए सी इज रोप। यहाँ पे ए बी जो है वो पोल है जिसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, और रोप है ए सी, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैंने आपको चैप्टर 8 में एक फॉर्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद नाम से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, भाई पंडित है तभी तो हर हर बोलेगा, ठीक है। ये जो है P अपॉन H, P का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है, H का मतलब है हाइपोटेनियस, यहाँ पे B बेस है, H हाइपोटेनियस है, P की वैल्यू परपेंडिकुलर है और B बेस है। अब देखो ये जो वैल्यू है P अपॉन H, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन थीटा। यहाँ पे बी अपॉन एच है, ये कोस थीटा की वैल्यू होती है, और यहाँ पे पी अपॉन बी है, ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। इस चैप्टर में हम इन तीनों का यूज करेंगे जब हमारे पास कोई दो कंडीशन होगी, एक तो थीटा होगा, थीटा जो एंगल होगा वो थीटा की वैल्यू होगी सभी में है। उसके बाद हमें साइन कोस टेन ये कब लेना है कि भाई सर हम इस क्वेश्चन में साइन ले या टेन ले, वो कहाँ से पता लगेगा। तो उसके लिए देखो, हमें जिस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन हो उसमें साइन थीटा का यूज करेंगे, जिस क्वेश्चन में बेस गिवन हो, हाइपोटेनियस गिवन हो, इसमें कोस थीटा को यूज करेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन होता है उसमें टेन थीटा को यूज करेंगे। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एसी यानी कि हाइपोटेनियस, और उसके बाद में निकालना फाइंड आउट क्या करना है, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनियस वो किस फॉर्मूले में है, साइन थीटा में, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसमें ए बी है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, ये वैल्यू पुट करेंगे, और ए सी की वैल्यू 20 मीटर पुट करेंगे। अब देखो साइन थीटा, मैंने बताया था कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे सोल्व करेंगे तो चैप्टर 8 पढ़ के आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जो टेबल है, वैल्यू वाली टेबल है, वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं पहले, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी पोल की जो हाइट है अपॉन ए सी की वैल्यू है 20 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ 1/2, इसके लिए आपको टेबल याद करनी होगी, ए हाफ इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। इस चैप्टर को जब करोगे ना, चैप्टर 9 को, तो उसमें आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कि हमें नीड होगी, तो टेबल याद होगी तो ही। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है, टेबल याद नहीं करनी है, बनानी आनी चाहिए,
तो वो टेप भी वीडियो डाली हुई है, उसको देख लेना, ठीक है। याद नहीं होती है तो बनानी सीख लेना वहाँ से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ए बी को टू से करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए बी इक्वल्स टू, वन को ट्वेंटी से करेंगे तो ट्वेंटी। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई टू, ए बी इक्वल्स टू टेन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी है वो क्या थी, देखो मैंने लिखा था ए बी इज ए पोल, तो ए बी पोल है तो आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द हाइट ऑफ पोल, द हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आज हमने इसका नाइन एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।